नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गैर शुक्ला। आज काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। इस मौके पर वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आप देखिए काशी के घाटों पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज पर सवार होकर जहाँ पर वो माँ गंगा की आरती देखेंगे। आज देव दीपावली के मौके पर पूरे काशी की तस्वीर बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है, मनोहारी है। ये तस्वीर अपने आप में विहंगम दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। काशी के सभी 85 घाटों पर 12 लाख दिए जलाए गए हैं देव दीपावली के मौके पर। वाराणसी में कुछ वैसी ही तस्वीर जैसी दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में देखने को मिली थी, जहां पर एक साथ 22,23,000 दिए जलाए गए और आज यहां पर काशी के घाटों पर 12 लाख दिए जलाए गए हैं। हर साल देव दीपावली के मौके पर ऐसे ही यहां पर दिव्य और भव्य आयोजन देखने को मिलता है। एक बार फिर से कुछ वैसा ही आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें शामिल होने के लिए 70 देशों के मेहमान भी पहुँचे हुए हैं शिव का धाम जगमग काशी के घाट। ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है और ख़ास बात यह है कि शिव की नगरी में जय श्री राम के उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं। 12 लाख दियों से सभी घाट इस वक्त जगमग हो गए हैं। महाआरती में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति भी देखने को मिलेगी, उसकी झलक भी देखने को मिलेगी। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की आरती शुरू हो जाएगी। क्रूज पर सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगे बढ़ते हुए और उनके साथ अलग अलग देशों के कई विदेशी मेहमान भी आपको यहां पर नजर आएंगे। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे सभी घाट जगमग हो गए हैं। विदेशी डेलीगेट्स भी यहां पर पहुंच चुके हैं। नमो घाट पर सभी बैठे हुए हैं इस खास पल का गवाह बनने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए। और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। न सिर्फ बनारस और आसपास के ज़िलों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग देव दीपावली की छठा को निहारने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, उसकी तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि देव दीपावली के दिन देवता काशी में आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपोत्सव मनाने के लिए, दीपदान करने के लिए। ऐसे में हर साल यहाँ पर देव दीपावली के मौके पर ऐसा ही आयोजन किया जाता है और एक बार फिर से दिव्य और भव्य दीपोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है देव दीपावली के शुभ अवसर पर। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन हर साल यहां पर देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। पुराणों के मुताबिक मान्यता है कि तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस का राज चला करता था और देवतागणों ने भगवान शिव के समक्ष जाकर त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की थी। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही राक्षस का वध कर उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया था और त्रिपुरारी कहलाए थे। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने स्वर्गलोक से यहां आकर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर और तभी से देव दीपावली मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से संस्कृत विभाग की तरफ से लगातार इस आयोजन को और दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में प्रयास किए गए और उसी का परिणाम है कि हर साल और दिव्यता और भव्यता इस आयोजन को प्रदान की जाती रही है। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कई वर्षों से बनारस में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देव दीपावली को कवर करते हुए आए हैं। आज एक बार फिर से इस खास पल का वो गवाह बन रहे हैं, चलते हैं उनके पास। उपेंद्र, हम 5 तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे काशी के सभी घाट जगमग हो गए हैं दियों की रोशनी से। विदेशी डेलीगेट्स भी हमको नजर आ रहे हैं, लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी चल रहा है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के घाटों को निहारते हुए, उसकी छठा को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी इस वक्त दशाश्वमेध घाट के सामने है क्योंकि गंगा आरती का टाइम था। 6:15 तक गंगा आरती होनी थी। डेलीगेट के साथ उन्होंने गंगा आरती देखी। अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ से 5 से 10 मिनट बाद यहाँ से आगे के लिए चेसिंग घाट के लिए चल रही क्योंकि गंगा आरती साथ में खत्म हो जाएगी। चेसिंग घाट पर लेजर शो देखेंगे और लेजर शो देखने के बाद वो वापस लौटेंगे क्योंकि अब विश्वनाथ धाम में भी जो प्रोजेक्टर शो और लेजर शो है वो शुरू हो चुका है तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है दर्शक है वहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री चेसिंग के लिए दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने के बाद, चेसिंग के लिए लेजर शो देखने के बाद विश्वनाथ धाम के मुख्य गेट पर उनका क्रूज खड़ा होगा। वहां पर वो लेजर शो की भी झलकियां देखेंगे, लेजर शो को भी देखेंगे, राजदूत भी लेजर शो देखेंगे। उसके बाद यहां पर आतिशबाजी होगी, उसको देखने के बाद मुख्यमंत्री नमो घाट जाएंगे जहां से वो सीधे एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो 8 बजे तक मुख्यमंत्री का रहने का यहाँ पर कार्यक्रम है और फिलहाल अब मुख्यमंत्री दशाश्वमेध घाट पर है और वहां पर गंगा आरती
को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, निहार रहे हैं, कैसे मां सुरसरी के तट पर दीपों की माला सजी है उसको देख रहे हैं, और देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे के बोल पर जिस तरीके से गंगा आरती हो रही है वो बेहद मंत्रमुग्ध करने वाली है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद है, उस पल के साक्षी बन रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का इससे पहले भी देव दीपावली पर जब प्रधानमंत्री ने काशी आए थे तब भी मुख्यमंत्रियों के साथ रहे थे, और ये मुख्यमंत्री दूसरी बार यहाँ पर आए। आज जिस तरीके से उनका शेड्यूल रहा, पहले बाबा विश्वनाथ के धाम पर पूजा अर्चना, उसके बाद सत्यवाप आश्रम, फिर नमो घाट पर पहले दीपक के साथ काशी में देव दीपावली की शुरुआत, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री गंगा की गोद में क्रूज के जरिए गंगा किनारे का सबसे बड़ा दीपोत्सव के साक्षी बन रहे हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अपने संकल्प की भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उन्होंने संकल्प लिया था काशी के देव दीपावली को भव्य दिव्य बनाने का, वो संकल्प कितना पूरा हुआ है, और मुख्यमंत्री के चेहरे के भाव ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि व्यवस्थाओं से मुख्यमंत्री बेहद संतुष्ट हैं, चाहे वो दीपमाला हो, चाहे घाटों में सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे वो लेजर शो हो, चाहे वो क्रिकेट शो हो, सभी से मुख्यमंत्री कोई ऐसा उनका उनके जो फेस एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि मुख्यमंत्री का संकल्प पूरा हुआ, वो संकल्प जिसकी प्रतिबद्धता वो हमेशा दर्शाते हैं, वो संकल्प जो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर काशी में दिया था, वो संकल्प जो काशी के विकास का है, वो तमाम सारे संकल्प इन दीपों की रोशनी में बेहद दमक रहा है, वो संकल्प ये बता रहा है कि वो अब संकल्प पूरा हो गया है, कि घाटों पर बेहद भीड़ है लेकिन काशी की पुलिस व्यवस्था है वो बेहतर है, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं, घाटों को जो सजाने का संकल्प था अयोध्या के बाद काशी को सजाने का जो संकल्प था वो संकल्प पूरा हुआ है, और फिलहाल गंगा आरती के जरिए सुरेश्वरी माँ सुरेश्वरी की आराधना यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और जो डेलीगेट्स हैं, जो राजदूत हैं, वो भी बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ऐसा अद्भुत, ऐसी खूबसूरती, ऐसा जल उत्सव, कहाँ जल उत्सव को देख रहे हैं सभी लोग, और इस जल उत्सव को देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेज सिंह किले की ओर रवाना होंगे, तो माना जाता है 10 मिनट अभी प्रधान मुख्यमंत्री और रहेंगे करीब, यहाँ पर मुख्यमंत्री 7:55 तक रहेंगे, और 6:55-6:50 के बीच में मुख्यमंत्री मूव करेंगे तेज सिंह किले की ओर उनका क्रूज, और वहां पर कुछ देर मुख्यमंत्री लेजर शो भी देखेंगे, और लेजर शो देखने के बाद यहां पर इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम में जिस तरीके की भीड़ है गंगा द्वार पर लेजर शो के जरिए, जिस तरीके से रोशनी से नहा चुका है पूरा विश्वनाथ धाम, फूलों से सजा हुआ है, 11 क्विंटल फूलों से पूरे विश्वनाथ धाम को सजाया गया है, तो उसको भी बाहर से उस लेजर शो को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निहारेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री काशी में है, और शिव की काशी में हमें आकाश गंगा की तस्वीर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से सभी घाट जगमग हो गए, उपेंद्र कह सकते हैं कि ये दिव्य और भव्य काशी है, ये नई काशी है जो कि अब समर्थी जा रही है, सचती जा रही है, और इसमें हर साल जो प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो कि यहाँ के सांसद हैं, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसकी